छतरपुर में लॉकडाउन होने के बाद भी रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। पुलिस के रोकने के बाद भी रेत माफिया रेत से भरे ट्रैक्टर को ले भागे। यह पूरी घटना पुलिस ने मोबाइल में कैद कर ली, जिसके बाद अब रेत माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। यह मामला छतरपुर के बड़ा मलहेरा बस स्टैंड का है। लॉकडाउन में ड्यूटी कर रहे आरक्षक के कब्जे से रेत माफिया रेत से भरा ट्रैक्टर लेकर भाग गए। जानकारी के अनुसार पुलिस चेक पोस्ट पर सेंधपा पुलिस चौकी में पदस्थ आरक्षक बलवीर सिंह राजपूत, रामदयाल और लक्ष्मण नगर रक्षा समिति सदस्य भगवान दास लॉकडाउन की ड्यूटी कर रहे थे। उसी दौरान वहां से ट्रैक्टर में कुछ लोग अवैध रेत ले जाने का कार्य कर रहे थे। इसे आरक्षक बलवीर ने रोक लिया, लेकिन रेत परिवहन संबंधी दस्तावेज मांगे। ड्राइवर के पास दस्तावेज ना होने पर आरक्षक ने उक्त ट्रैक्टर पुलिस थाने में ले जाने के लिए कहा, तो ड्राइवर ने फोन कर मुकेश शुक्ला को वहां बुला लिया। वहां आकर मुकेश शुक्ला ने आरक्षक से बहस की और ट्रैक्टर लेकर चला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एक ट्रैक्टर है जो मुकेश शुक्ला का ट्रैक्टर है, जवानों ने उसे रोका था। आरक्षक बलबीर सिंह और इन्होंने रोका था और इसके बाद वो ट्रैक्टर लेकर के भाग गया था। आरक्षक बलवीर की रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, जो 353, 504, 506, 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। एक ट्रैक्टर अवैध रेत परिवहन में सुबह से ही जब्त हुआ है और इस ट्रैक्टर के गुलाबी पत्र पर पंजीबद्ध किया गया, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।